हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे कुछ गुडीज़ हैं जो अभी घर से लेके आई हूँ मैं। तो मैंने सोचा इसको रिस्टॉक कर लेते हैं, क्योंकि दो तीन दिन हो गए ये ऐसे ही पेपर में पड़े हुए थे, पॉलीथीन में। तो इसके लिए मैंने ये कांच का डिब्बा रखा हुआ था, तो पहले मैंने इसे वॉश किया क्योंकि ये बिल्कुल न्यू रखा हुआ था। उसके बाद मैं इसमें स्टोर कर लूँगी। तो ये जो मैं रख रही हूँ वो है लड्डू, जो अभी मैं घर गई थी तो मम्मी वहाँ पे बनाई थी लड्डू। एक तो था गोंद के लड्डू और एक था तीसी का फ्लैक्स सीड्स के लड्डू, और इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिक्स होता है, तो वो मम्मी बना रही थी तो मुझे भी दे दी यहाँ के लिए। और ये बहुत ही टेस्टी होते हैं और विंटर्स में इसको खाया जाता है तो बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। तो ये सब मैं यहाँ पे रिफ़िल कर ले रही हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, अगर मैं ऐसे काफ़ी लॉन्ग टाइम तक ये पॉलीथीन में रहते तो इनको हवा लग जाती और ये सॉगी हो जाते, बट कंटेनर में रखने से काफ़ी फ्रेश और अच्छे होते हैं। तो इनको मैंने यहाँ पे फिल कर लिया है, और जो थोड़े बहुत एक्स्ट्रा उनको मैं ऐसे ही जो डेली वाला बॉक्स होता है खाने का उसमें रख ले रही हूँ। जो कभी भी मंचिंग करने का मन हुआ तो टेबल पर रहता है, बस निकालो और खा लो। और ये नमकीन भी घर से लेके आई थी, ये वहाँ की लोकल नमकीन है, होम टाउन की। यहाँ नहीं मिलती पुणे में, बट वहाँ मिलती तो ये बहुत अच्छी लगती खाने में, तो ये मैं लेके आती हूँ घर से ही। तो अभी है मॉर्निंग का टाइम, और एज़ यूज़ुअल आप लोग को पता ही होगा जो संडे की मॉर्निंग होती है हम लोग का बहुत ही लेट स्टार्ट होता है। तो आई गेस ये दोपहर का ही टाइम है और हम लोग इस टाइम चाय पीने जा रहे हैं। तो उसके बाद आगे देखती हूँ, अगर मन हुआ तो कुछ बनाऊँगी, वरना लेट इवनिंग ही हमारा वो लंच होगा। और एक चीज़ तो है, हमारी मॉर्निंग कितना भी लेट स्टार्ट हो बट चाय तो मैंडेटरी है। वो जो स्टार्टिंग होता है ना मील ऑफ़ द डे, फर्स्ट मील ऑफ़ द डे, वो चाय से शुरू होती है। मतलब उससे पहले पानी वानी पीते हैं, बट फर्स्ट मील हमारा होता है ब्रेकफास्ट में, वो चाय ज़रूर होती है। तो अभी लेट इवनिंग हम लोग कुछ तो ऐसे ही लाइट में कुछ खा लिए थे, वो मैं रिकॉर्ड नहीं की, और अभी है रात का टाइम तो हम लोग सोचे कुछ अच्छा बनाते हैं। तो यही मैं यहाँ पर आके एग को बॉयल करने के लिए, तो आज बनेगी अंडा कढ़ी और चावल और रोटी बनेगी इसके साथ। तो हस्बैंड ने बोला मैं बनाऊंगा, बस उसे जाओ बॉयल करने के लिए रख दो। और ये सारी चीज़ें जो बहुत अच्छा बनाते हैं तो मैं अभी प्रेफर करती हूँ कि वही बनाएं। तो बस यहाँ पे मैं रख दी, और बाकी जो ये गुडीज़ थी वो मैं उस टाइम फिल नहीं की थी, क्योंकि मुझे आलस आ रहा था और मैं चाय वाय पीने के बाद थोड़ा सा हम लोग मूवी देखने लगे थे तो मैं छोड़ दी। मैं सोची अब जब मन होगा तब करूँगी। तो फिर अब जब मैं आई किचन में तो मुझे लगा अब जब आई हूँ तो अभी फिनिश कर दूँ, वरना जब सुबह मेड क्लीनिंग के लिए आएगी तो सारे चीज़ें काउंटर टॉप पे होंगी तो फिर वो साइड से ही कर देगी, गंदगी रह जाएगी। तो मैंने सोचा अभी इसको फिनिश कर देते हैं। तो ये चावल मैं फिल कर रही हूँ, ये भी मैं घर से लेके आई हूँ। और ये है पोहा जो मैं रिफ़िल कर रही हूँ। ये बिल्कुल जो एकदम ही फ्लैटन पोहा होता है ना, बहुत ही जो चौड़े चौड़े होते हैं पोहे, बहुत ही पतले, वो मुझे बहुत ही अच्छे लगते, तो घर पे था तो मैं ले आई। और एक और था जो घर पे जो चावल होते हैं ना, खेत के चावल, उसका भी कुटाया गया था बट वो मैं ले कर नहीं आई, क्योंकि ये वाला चूरा मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं यही ले आई। और वो भी ले आती तो लगेज बहुत ज़्यादा हो जाता, क्योंकि और भी सारी चीज़ें थी खाने की, तो वही सब मैं रिफ़िल कर ली। वो जो घर वाला चूरा था उसको नहीं लाई।
और ये है दलिया, इसको मैं रिफिल कर रही हूँ। और ये भी घर पे ऐसे पड़ा हुआ था और वहाँ पे लोग ऐसा लगता है यूज़ ही नहीं करते, ये तो मेरे काम की चीज़ थी क्योंकि मैं लास्ट टाइम गई तो भी मुझे दिखा था ये एज इट इज़ रखा हुआ था, कोई नहीं खाया। और इस बार ही मैं आई गई देखी पड़ा हुआ था तो मैं ले आई क्योंकि मुझे लगा कि इन सब चीज़ों की मुझे ज़्यादा ज़रूरत है और मुझे ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं, मतलब थोड़ी सी हेल्दी वाली चीज़ें मैं प्रेफर करती हूँ खाना, तो घर पे रखे हुए तो मैं दलिया भी ले आई। और ये है गुड़ जो मैं इस बार घर से ले आई, और गुड़ जो था बहुत ही अच्छी क्वालिटी का था, मतलब जो एकदम रबड़ी टाइप पट्टी टाइप का होता है गुड़ ना, वैसा था, बिल्कुल फ्रेश आया था। तो वो भी मैं ले आई क्योंकि वैसा इधर तो बिल्कुल नहीं मिलता, इधर का जो मिलता है गुड़ वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है, मतलब अगर आप देख भी लो ना तो मन ही नहीं होगा खाने का। तो मैंने एक बार ट्राई किया था क्योंकि पूजा में मुझे यूज़ करना था और उसके बाद मैं कभी नहीं यहाँ से ली, मैं हमेशा घर से ही मंगवाती हूँ या ले आती हूँ। और उसके साथ ही ये कुछ चीज़ें थी जो रामदाने की का बर्फी था और तिल के लड्डू थे और जो पट्टी होती है वो था, जो भी मकर संक्रांति में चीज़ें मिलती हैं मार्केट ना वो सब चीज़ें थी, तो वो सब मैं लेके आई थी। तो इसको मैं रख रही हूँ कंटेनर में। और ये है गुड़ जो मैं घर से लेके आई हूँ, आप देखो इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, बिल्कुल फ्रेश है, कितना अच्छा दिख रहा है, प्योर, बिल्कुल प्योर है, एकदम शुद्ध अच्छा वाला है ये गुड़, इस टाइप का गुड़ मुझे अच्छा लगता है। तो उधर वो सारी चीज़ें फिनिश हो चुकी थी, यहाँ हम लोग अपना रेडी करने लगे थे अंडा करी। तो यहाँ पे मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट बना रही हूँ और बाकी चीज़ें वो हस्बैंड करेंगे, मैं इतना प्रिपेयर करके दे दे रही हूँ। और साइड में अपना मैं रेडी करूँगी आटे को गूंथना और चावल बनाऊँगी। यहाँ पे तैयारी हो चुकी है और मैंने सोचा थोड़ा सा क्लिप बना लूँ। तो उधर एग बॉयल हो चुके हैं और ये है बेसिक मसाला जो हस्बैंड डालते हैं, ये मसाला ये वो यूज़ करते हैं। तो साइड में न्यूज़ की आवाज़ आ रही है, टीवी चल रहा है और मैंने चावल को सोख करके रख दिया है और इसके बाद मैं आटा सानूंगी। उससे पहले मैंने काउंटर टॉप को क्लीन कर दिया क्योंकि एक बहुत ज़्यादा गंदगी काउंटर टॉप है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं काम नहीं कर पाती हूँ तो मुझे क्लीन ही चाहिए होता है, तो मैं क्लीन कर दी तो उसके बाद मैं काम स्टार्ट करती हूँ। और अभी रोटी बनाने से पहले भी मैं इसको क्लीन करूँगी, उसके बाद ही मैं रोटी बनाऊँगी। और डाइनिंग टेबल पे ये फ्रूट्स रखे हुए थे, मुझे लगता है 2-3 दिन तो हो गए कोई खा ही नहीं रहा था, तो उसमें नीचे से ख़राब होने लगे थे, तो मैंने सोचा इसको ऐसे तोड़ के वॉश करके फ्रिज में रख देती हूँ ताकि वो लॉन्ग टाइम तक चलेगा और जैसे खाना होगा वो खा भी लेगा। तो लकली मतलब ये बहुत अच्छा मेरा डिसीजन था और बाय गॉड ये जल्दी ख़त्म भी हो गया, और वैसे पड़ा था तो कोई इसे खा ही नहीं रहा था, तो इसको मैं अच्छे से वॉश करके एक कंटेनर में रख दी थी फ्रिज में और नेक्स्ट डे ये फिनिश हो गया था। तो एक करी हो चुकी है रेडी, चावल ही बन गए और यहाँ पे मैं रोटियाँ बना रही हूँ और उसके बाद फिर मैं खाना सर्व करूँगी। और उसके बाद मुझे कुछ कल की प्रिपरेशन करनी है तो वो भी मैं रात में कर दूँगी ताकि सुबह उठने के बाद लंच बनाना इजी हो और जल्दी बन जाए। तो कल मुझे बनाना है मॉर्निंग में आलू के पराठे, तो मैं सोच रही हूँ उसका स्टफिंग मैं अभी रेडी करके रख दूँ, तो सुबह क्या होगा सिर्फ आटा गूँथ के मुझे बनाना ही होगा। तो
तो ये रोटी बनाने के बाद मैं उस काम पे लगूंगी। और वो जो आलू का स्टफिंग होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है। अगर हमें सैंडविच भी बनाने का मन हो तो इजी से बन जाता है और वो अच्छा भी होता है, तो वो मुझे अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा मतलब एक्स्ट्रा ही रखती हूँ ताकि इनके सैंडविच खाने का मन हुआ तो भी मैं बना लूँ। वैसे तो आलू के सैंडविच बहुत ही कम बनते, रेयर ही बनते, लेकिन जब स्टफिंग रहता है तो फिर मन होता है कि चलो बना लेते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या की हूँ कि मस्टर्ड ऑयल में हरी मिर्च डाली थी और जिंजर और गार्लिक को क्रश कर ली थी, वो डाली, और जीरा का तड़का दी थी, आलू मैश्ड आलू डाल दी थी, और इसमें डाली हूँ भुना हुआ जीरा पाउडर और नमक। बस इसको अच्छे से भून लेंगे और लास्ट में डाल दूँगी थोड़ा सा धनिया, हरी धनिया, और उसके बाद भूनने के बाद इसको थोड़ा ठंडा करके हम मैं इसे कंटेनर में रख दूँगी। तो इस मसाले को हम सुबह यूज़ करेंगे आलू के पराठे में। और यहाँ पे मैं मिक्स कर रही हूँ अमचूर पाउडर, वो मैं भूल गई थी आगे ऐड करना, तो अभी मैं कर रही हूँ। एंड यहाँ पे हमारा स्टफिंग रेडी है, बस इसको मैं इस कंटेनर में रख रही हूँ और ठंडा हो जाएगा तो मैं इसे फ्रिज में डाल दूँगी। और यहाँ पे हम अपने खाने की प्लेटिंग कर रहे हैं और इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग में नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर।